Welcome back, everybody. So today we are going to cover your part 3 of your chapter number 7, that is conservation of plants and animals. This is the last video, right? And from today from tomorrow I will take your question and answers of this chapter. So this is part 3 and we have covered two parts of this chapter. And humne kaha finish kara tha? In the last video, we discussed about the endemic species, wildlife sanctuary, then we discussed about the national parks. We discussed ki species kya hoti hai, plus usme endangered species kya hai, flora, fauna, ecosystem and biosphere reserve, right? So, I hope aapne usko padha hoga. So, ab hum start karte hain apna part number 3 is video ka. Chaliye. सो नाउ विल डिस्कस दिस कहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जो स्पीशीज़ हैं दे आर कैटेगराइज अंडर वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनिट से स्पीशीज़ जो हैं WCU में किस तरीके से कैटेगराइज होती हैं. देखिए जो आपकी IUCN है दैट इज़ IUCN की आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए. इट इज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट ये IUCN की आपको फुल फॉर्म याद करनी है. मैं फिर से बोलती हूँ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. एंड प्रेजेंटली इसको क्या बोला जाता है, पहले इसको बोलते थे हम IUCN लेकिन अब प्रेजेंटली इसको बोला जाता है WCU. यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है इधर से भी और इधर से भी. WCU की फुल फॉर्म है आपकी वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन. ओके कंजर्वेशन यूनियन इनके हिसाब से क्वेश्चन में पूछा जाए कि जो अभी वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन है उसको पहले किस नाम से जाना जाता था तो आपको बताना है IUCN. और अगर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि IUCN है तो अब किस नाम से वो जाना जाता है प्रेजेंटली, वो किस तरीके से, हाउ इट इज़ नोन प्रेजेंटली. सो यू शुड नो इट इज़ नोन बाय WCU एंड WCU इज़ वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन. ओके सो इस जो आपकी IUCN है प्रेजेंटली WCU है, इट हैज़ क्लासिफाइड द स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू 4 कैटेगरीज. इसको 4 कैटेगरीज में हमारे जो स्पीशीज हैं एनिमल और प्लांट्स की उनको डिवाइड करा गया है. पहला क्या है, इट इज़ एंडेंजर्ड स्पीशीज. तो इन चारों में मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ, याद होना चाहिए. तो एंडेंजर्ड स्पीशीज वो स्पीशीज होते हैं विच आर नॉट लाइकली टू सर्वाइव इफ कॉजेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू टू ऑपरेट एंड आर इन डेंजर ऑफ एक्सटेंशन. मतलब ये वो स्पीशीज हैं जो आगे सर्वाइव नहीं करेंगे अगर जो कॉजेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू करेंगे. कॉजेटिव फैक्टर्स क्या, या तो हंटिंग हो जाए इनकी या पोचिंग हो जाए या फिर कुछ इस तरीके से क्लाइमेटिक कुछ कंडीशन पैदा हो जाए, बिकॉज ये होते हैं एंडेंजर्ड, राइट. ज़्यादा स्पीशीज नहीं है, इनको हमेशा ही खतरा रहता है, राइट. सो दीज आर नोन एज एंडेंजर्ड स्पीशीज. तो यहाँ से आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि आपके एंडेंजर्ड स्पीशीज के एग्जाम्पल क्या हैं. सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका इंडियन राइनोसेरस, ठीक है. एंडेंजर्ड स्पीशीज का दूसरा एग्जाम्पल आपको याद रखना है, इट इज एशियाटिक लायन. थर्ड एग्जाम्पल इज योर क्रोकोडाइल. फोर्थ वन इज ब्लू वेल. यहाँ से आपको इक्वेशन आ सकता है कि आपको ये ऑप्शंस दिए जा सकते हैं और आपको ये नीचे लिखा जाता है इट इज़ एंडेंजर्ड वल्नरेबल किस तरीके की स्पीशीज हैं. तो आपको याद रखना है कि दीज फोर आर एंडेंजर्ड स्पीशीज. नाउ विल कम टू वल्नरेबल स्पीशीज. वल्नरेबल स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं विच आर लाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड स्पीशीज इफ कॉजेटिव फैक्टर्स कॉन्टिन्यू टू ऑपरेट. ये वल्नरेबल स्पीशीज हैं जो लाइकली दे आर लाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड, ठीक है. अगर कॉजेटिव फैक्टर्स जो हैं अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो वो एंडेंजर होने की कदार में होती हैं, ठीक है. दीज आर नोन एज वल्नरेबल. सो एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं कि वल्नरेबल स्पीशीज के एग्जांपल कौन कौन से हैं. सबसे पहला एग्जांपल है इसका गोल्डन लंगूर. सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ योर वल्नरेबल इज चिनकारा डियर. चिनकारा डियर. थर्ड एग्जाम्पल इज योर ब्लड पीजेंट, PHEASENT, एंड योर दीज आर ऑल योर वल्नरेबल स्पीशीज. सो द थर्ड वन इज योर रेयर स्पीशीज. रेयर स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं विच एट प्रेजेंट एग्जिस्ट इन स्मॉल नंबर. वो स्पीशीज जो एट प्रेजेंट बहुत ही कम नंबर्स में एग्जिस्ट करती हैं उनको बोलते हैं हम रेयर स्पीशीज. रेयर स्पीशीज कौन कौन सी हैं, देखिए गोल्डन कैट,
ठीक है, देन वी हैव इंडियन पाइड हॉर्नबिल, इंडियन PIED, यहाँ मैं लिख देती हूँ नीचे। एक तो हो गई आपकी गोल्डन कैट, GC से मैं डिनोट कर रही हूँ उसको। सेकंड इज योर इंडियन पाइड हॉर्नबिल, INDIAN, इंडियन पाइड हॉर्नबिल। थर्ड वन इज योर क्रेसलेस हिमालयन पॉर्क्यूपीन, ये सब हैं आपकी रेयर स्पीशीज। फोर्थ वन इज योर थ्रेटन स्पीशीज, थ्रेटन स्पीशीज वो एंडेंजर स्पीशीज हैं, या फिर वी कैन से कि जो एंडेंजर स्पीशीज हैं आपकी वल्नरेबल स्पीशीज हैं एंड रेयर स्पीशीज हैं, इसको कलेक्टिवली जो हम बोलते हैं वी कॉल देम थ्रेटन स्पीशीज। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। सो एक वर्ड है आपका, एक टर्म है एक्सटिंक्ट स्पीशीज। तो ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज कौन सी होती हैं? वो स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच हैव बिकम लॉस्ट फॉर एवर, मतलब जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं अब बहुत फॉर एवर के लिए, अब वो एग्जिस्ट नहीं करती, दीज आर नोन एज एक्सटिंक्ट स्पीशीज। तो अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए कि एक्सटिंक्ट स्पीशीज का, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे प्लांट में पूछी जाए कि प्लांट में ऐसी कौन सी स्पीशीज हैं जो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, विच डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, सो योर पहला है आपका ब्रह्म कमल, ये अब इसकी स्पीशीज जो एग्जिस्ट हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। एंड द सेकेंड वन इज सर्पगंधा प्लांट, सर्पगंधा प्लांट भी जो है इट हैव बिकम एक्सटिंक्ट नाउ। ओके, मूविंग फर्दर, नाउ वी हैव रेट डाटा बुक। यहाँ से 100% एक क्वेश्चन बनता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये रेट डाटा बुक है क्या? द बुक पब्लिश्ड, इट इज़ अ बुक दैट इज़ पब्लिश्ड बाय IUCN, जिसको प्रेजेंटली WCU बोला जाता है। इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन ऑन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट? सो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि ऐसी कौन सी बुक है जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में? सो इट इज़ अ रेड डाटा बुक। ओके, रेड डाटा बुक भी मिल सकता है आपको, पेपर में रेड बुक भी मिल सकता है। सो द फर्स्ट, अगर पूछा जाए कि पहली रेड डाटा बुक कब पब्लिश हुई थी, तो फर्स्ट रेड डाटा बुक ऑफ एनिमल्स वॉज पब्लिश इन 1991। ओके, याद रखना है ईयर कौन सा है आपका, 1991 में फर्स्ट रेड डाटा बुक ऑफ एनिमल्स वॉज पब्लिश्ड। सो थ्रू दिस बुक IUCN, या फिर नाउ इट इज़ नोन एज WCU, इट इज़ ट्राइंग टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द एंडेंजर्ड स्पीशीज। इसी बुक की हेल्प से जो आपकी IUCN है, या फिर WCU भी दिया हो सकता है, वो आजकल क्रिएट कर रही है अवेयरनेस एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में। ओके, माइग्रेशन, एक टर्म है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है आपका? इट इज़ अ सीजनल मूवमेंट, एक सीजनल मूवमेंट है आपकी एनिमल्स की फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर। क्यों ये माइग्रेट करते क्यों है? टू ओवरकम द अनफेवरेबल कंडीशंस। ओके, इन केस दे आस्क यू अबाउट द प्रॉपर डेफिनेशन, तो यहाँ पर मैंने प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है बिल्कुल सामने। द सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर टू ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशन इज कॉल्ड एज माइग्रेशन। तो क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से? यहाँ से आपको ये आपको डेफिनेशन दी जा सकती है, और यहाँ पर चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें से आपको टिक करना होगा माइग्रेशन। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो कॉमन जो माइग्रेटिंग क्रिएचर हैं कौन कौन से होते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि जो कॉमन माइग्रेटिंग क्रिएचर्स हैं आपकी, ये होते हैं वेल्स। वेल्स माइग्रेट करती हैं एक कंडीशन से या फिर दूसरी कंडीशन में। देन वी हैव फिश, फिश माइग्रेट करती हैं, बटरफ्लाइज, टर्टल्स एंड बर्ड्स, ये सब जो होते हैं माइग्रेटिंग क्रिएचर्स हैं। ठीक है, एनिमल जो होते हैं वो माइग्रेट करते हैं आपका बिटवीन देयर विंटिंग एंड ब्रीडिंग हैबिट्स। विंटरिंग मतलब जो जब ज़्यादा सर्दी होती है वो उस जगह से दूसरी उस जगह को छोड़ के अपने जो टेम्परेचर या फिर जो इन्वायरमेंट उनको फेवरेबल लगता है वो वहाँ पर माइग्रेट कर जाते हैं, या फिर ब्रीडिंग सीजन्स में जब उनका ब्रीडिंग सीजन होता है, अंडे देने का सीजन होता है, बच्चा पैदा करने का सीजन होता है, तब वो माइग्रेट करते हैं। ओके, सो द लॉन्गेस्ट माइग्रेशन ऑफ आर्टिक टर्न, ठीक है, इन्वॉल्व अ ट्रेवल, सबसे लॉन्गेस्ट, इन केस दे आस्क यू कि सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट माइग्रेशन किसकी होती है, तो लॉन्गेस्ट माइग्रेशन है आपकी आर्कटिक टर्न की। वो कहाँ से ये ट्रेवल करते हैं? नॉर्थ पोल से साउथ पोल, और फिर अगले साल फिर से साउथ पोल से ही नॉर्थ पोल की तरफ ये ट्रेवल करते हैं। ओके, लॉन्गेस्ट माइग्रेशन होती है आर्कटिक टर्न की। इट इज़ अ बर्ड, ठीक है, वाइट कलर का बर्ड होता है ये। एंड वी ऑल्सो हैव साइबेरियन क्रेन भी होता है जो आपका माइग्रेट करता है।
अब जो माइग्रेटिंग बर्ड्स हैं एक पर्टिकुलर तरीके के माइग्रेटिंग रूट्स को ही जो है ये अपनाते हैं, उसी रूट के थ्रू ये सारे के सारे माइग्रेट करते हैं। ऐसा नहीं कोई कहीं उड़ गया कोई कहीं उड़ गया, हर साल वो उसी रूट पे जो है वो माइग्रेट करते हैं। ठीक है, सो अब क्वेश्चन आता है कि ये बर्ड्स जो है ये माइग्रेट क्यों करते हैं। माइग्रेट इसलिए करते हैं, पहला रीज़न ये है टू एस्केप फ्रॉम इनहॉस्पिटेबल क्लाइमेट। इनहॉस्पिटेबल क्लाइमेट क्या होता है कि इनके लिए एक क्लाइमेट जो है अनफेवरेबल है, कहीं ये रह रहे हैं बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है जहाँ इनको दिख रहा है कि हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। टू एस्केप दैट इन्वायरमेंट दे माइग्रेट। सेकेंड कंडीशन में क्यों माइग्रेट करते हैं, सेकेंड कंडीशन है टू एनेबल देमसेल्व टू फाइंड प्लेंटी ऑफ फूड थ्रू आउट द ईयर। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक विंटर सीजन में वेन फूड सोर्सेज आर लिमिटेड इन नॉर्थन एरियाज, बर्ड फ्लाई टूवर्ड्स द साउथ वेयर द वेदर इज माइल्ड एंड फ्लू जो फूड है दैट इज इन प्लेंटी। ओके, अब विंटर सीजन में कुछ है कि फूड सोर्सेज लिमिटेड होते हैं हमारे नॉर्दर्न एरियाज में, तो ये क्या करते हैं बर्ड्स, ये सदर्न एरिया की तरफ फ्लाई कर जाते हैं जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो माइल्ड होता है और फूड भी जो है इनको अच्छा खासा प्लेंटी उसमें अमाउंट में मिलता है। थर्ड रीज़न कि ये माइग्रेट क्यों करते हैं, थर्ड रीज़न है इनका टू ले देयर एग्स इन अ मोस्ट हॉस्पिटेबल प्लेस, ताकि ये अंडे जो है दे सके मोस्ट हॉस्पिटेबल प्लेसेस में। ऑल राइट, देन वी हैव अ थिंक दैट इज रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा कि ऐसा कौन सा मटेरियल है जो सबसे ज़्यादा थ्रो अवे किया जाता है, फेंका जाता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये लगेगा कि हम सबसे ज़्यादा क्या फेंकते हैं, प्लास्टिक। सो प्लास्टिक नहीं है, यहाँ से एक क्वेश्चन ये आ सकता है सबसे ज़्यादा फेंके जाने वाली चीज़ कौन सी है, इट इज़ पेपर। ओके, तो वेस्ट में सबसे ज़्यादा वेस्ट मटेरियल किसका होता है, तो वेस्ट सबसे ज़्यादा होता है पेपर का। पेपर इज़ द नंबर वन मटेरियल दैट वी थ्रो अवे, इट्स अ क्वेश्चन दैट कैन कम इन योर एग्जाम। सो पेपर जो होता है वो रिन्यूएबल सोर्स का जो है यूज़ करता है, इट यूजेस अ नेचुरल रिन्यूएबल सोर्स, कौन सा, दैट इज ट्रीज। ओके, पेपर मिल्स क्या करती हैं, हमारा जो पेपर मिल है उसमें होता क्या एग्जैक्टली, जो वुड होती है ट्री की। तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि जब पेपर बनता है तो उस ऑब्वियसली बात है हम ट्री की हेल्प से ही पेपर बनाते हैं पेड़ को काट के, तो पेड़ में भी कौन सा पार्ट होता है जिससे हमारा पेपर बनता है। तो पेड़ में आपका एक तो बार्क और दूसरा होता है रूट्स, पेड़ की बार्क से और रूट से हमें पेपर मिलता है। क्या होता है पेपर मिल में, ये वुड जो होती है, जो वुड हमें बार्क से मिलती है पेड़ की और रूट से मिलती है, वो पल्प में कन्वर्ट होती है और फिर पल्प जो है उसको ब्लीच करके पेपर में रोल कर दिया जाता है। ओके, सो पेपर जो है इट कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 times फॉर यूज। हमने एक बार पेपर को फेंक दिया, उसको हम उस गंदे पेपर को भी, वेस्ट पेपर को भी हम 5 to 7 times रिसाइकल कर सकते हैं अपने यूज के लिए। ओके, देन जो ये रिसाइकल्ड पेपर है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जो रिसाइकल्ड पेपर है वो भी कैसा, क्या फ्रेश पेपर से बनता है, नहीं, दैट इज मेड फ्रॉम अ वेस्ट पेपर एंड डिफरेंट काइंड ऑफ पेपर्स आर रिसाइकल्ड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। ओके, सारे के सारे पेपर्स की वैरायटी हम रिसाइकल नहीं कर सकते। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे मैंने आपको दे दिया कि क्या हमारे जो टिश्यू हैं क्या हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं, इज इट रिसाइकलेबल और नॉन रिसाइकलेबल। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, फॉर एग्जांपल कि पहला है आपका टिश्यू, हम इसको रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। देन वी हैव नैपकिन्स, इट इज़ नॉन रिसाइकलेबल। थर्ड वन इज़ पेपर टॉवल्स, पेपर टॉवल, दीज आर नॉन रिसाइकलेबल। कैंडी रैपर जो होता है उसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। देन वी हैव पेपर कप्स, पेपर कप्स आर नॉन रिसाइकलेबल। एंड प्लेट्स, प्लेट्स हो गया, और ग्लॉसी पेपर जो हम यूज़ करते हैं इट इज़ ऑल्सो नॉन रिसाइकलेबल। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। मूविंग फर्दर नाउ, सो द लास्ट थिंग इन दिस वीडियो इज रिफॉरेस्टेशन। हमने डिफॉरेस्टेशन तो पढ़ा था, अब रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, रिफॉरेस्टेशन होता है द रीडेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज इन अ प्लेस ऑफ द ट्री इन द प्लेस वेयर द ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड। जहाँ पर हम पहले ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, डी रूट कर चुके हैं, उसको क्या बोलते हैं हम,
डीफॉरेस्टेशन, ट्रीज को काटना, सफाया करना, उसको डीफॉरेस्टेशन कहेंगे। लेकिन जब हम उस जगह को रीडेवलप कर देते हैं बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज इन प्लेस ऑफ कटेड ट्रीज या फिर इन प्लेस ऑफ डिस्ट्रॉयड ट्री, दैट इज नोन एज रीफॉरेस्टेशन। ओके, रीफॉरेस्टेशन हमारी नेचुरली भी हो सकती है कि कुछ भाई बारिश वारिश हुई, नेचुरली कुछ पेड़ पौधे उग जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, हम जो पेड़ों को जिस जो हमने काटे हैं उसको रूट से डी रूट करके वहाँ पर ट्रीज को जो है उगा सकते हैं, सेम स्पीशीज को एक लाइन में, ठीक है। दैट इज नोन एज योर रीफॉरेस्टेशन। इफ डीफॉरेस्टेड एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, इट गेट्स डेवलप्ड ऑन इट्स ओन इन ड्यू कोर्स। अगर हम कोई डीफॉरेस्टेड एरिया है उसको कुछ टाइम तक अनडिस्टर्ब रहने दे तो भी जो है वो एरिया खुद से रीडेवलप कर जाता है कुछ टाइम के बाद, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज ओवर। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कराऊंगी जो हम करते हैं हर बार की तरह। तो याद, यहाँ पर सिर्फ आपको सुनना है। द स्पीशीज विच आर नॉट लाइकली टू सर्वाइव एंड आर इन डेंजर ऑफ एक्सटेंशन, उनको क्या बोलते हो आप, उनको बोलते हो आप एंडेंजर्ड स्पीशीज। दूसरा आपको याद रखना है, द स्पीशीज विच आर लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड स्पीशीज, जो इंडेंजर्ड हो सकती हैं उनको क्या बोलते हो आप, उनको बोलते हो वल्नरेबल स्पीशीज। थर्ड वन इज द स्पीशीज विच एट प्रेजेंट एग्जिस्ट इन स्मॉल नंबर, जो स्पीशीज एट प्रेजेंट स्मॉल नंबर में एग्जिस्ट करती हैं उसको आप बोलते हो रेयर स्पीशीज। फोर्थ पॉइंट इज द एंडेंजर्ड स्पीशीज, वल्नरेबल स्पीशीज एंड रेयर स्पीशीज, इन सबको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, इन सबको कलेक्टिवली बोला जाता है थ्रेटन्ड स्पीशीज। फिफ्थ पॉइंट इज अ सेल्फ सस्टेनिंग फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ लिविंग, लिविंग में क्या बायोटिक एंड नॉन लिविंग में होता है एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स, उनको बोलते हैं हम इकोसिस्टम। जो बुक हमारी IUCN पब्लिश करती है, IUCN में भी प्रेजेंटली WCU पब्लिश करती है, जो सारी इंफॉर्मेशन देती है एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, तो उस बुक को क्या बोला जाता है, दैट बुक इज नोन एज रेड डाटा बुक। सीजनल मूवमेंट जो होती है एनिमल्स की फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं माइग्रेशन। देन एक टर्म है रीफॉरेस्टेशन, क्या होती है, रीडेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज इन प्लेस ऑफ ट्रीज डिस्ट्रॉयड इज नोन एज रीफॉरेस्टेशन, ठीक है। आई होप याद रखोगे। कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको आंसर देने, पहला कि ये जो रेड डाटा बुक है वो कौन पब्लिश करता है, याद रखना है IUCN, प्रेजेंटली WCU। दो, नेम टू थ्रेटन्ड स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, ये बताना है आपको। ये बताइए विच वेराइटी ऑफ पेपर कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, मैंने बिल्कुल लास्ट उसमें आपको कराया है प्रीवियस उसमें, तो आप जाके देखना कि मैंने सारी वेराइटीज़ आपको लिखी हैं पेपर की, टिश्यू पेपर, कैंडी पेपर, ये सारे, ये सब रिसाइकल नहीं हो सकते हैं। वट इज़ अ वास्ट नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड इको सिस्टम नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, वास्ट नेटवर्क जिसमें इंटरकनेक्टेड और इंटर रिलेटेड इको सिस्टम को हम बोलते हैं बायोस्फीयर। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर। टुडे योर चैप्टर नंबर 7 इज़ ओवर। फ्रॉम टुमारो आई एम गोइंग टू टेक ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल द MCQs, एंड टुमारो योर चैप्टर विल बी कम्प्लीटेड फुली। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द सेशन, काइंडली शेयर दिस सेशन। प्लस इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज मी, यू कैन ई मेल मी और यू कैन व्हाट्सएप मी, आप मेरे को टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। So feel free to contact me and feel free to contact sir also. We are there to help you out. So take care, keep studying and stay home and stay safe.